संतों को स्वामी जी लिखते, जिमिया मो घेरा गोपति कर बाना, जिमिया मो घेरा गोपति कर बाना, जे ही ओ भांति चले ओ हनुमाना, जे भांति चले ओ हनुमाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम से राम दूत। अब क्या लिखा गोस्वामी जी ने, अतुलित बल धामा, हनुमान जी अतुलनीय बल के स्वामी हैं। अच्छा हनुमान जी में बल कितना है? अब बल की मत पूछो, बल देखना जरा हनुमान जी में कितना है। 10,000 हाथियों बराबर बल जिसमें हो उसको कहते हैं दिग्गज। 10,000 हाथियों, पहले के जमाने में हाथी से ही बल को नापा जाता था, आजकल हॉर्स पावर से, घोड़े की बल से हो, कहते हॉर्स पावर। हाँ अब पहले का जमाना ही अलग था, आज का जमाना तो इतना बिगड़ गया कि राम ही बचाए, बल की मत पूछो। हमारा एक चेला है चंगीलाल, चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, दोनों की हुई लड़ाई, चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, दोनों की हुई लड़ाई और लड़ाई में मुन्नी बाई ने नाक तोड़ाई चंगीलाल की। बाद में जब निपटारा हुआ तो पता लगा कि चंगीलाल कमजोर है, मुन्नी बाई तेज है। तो आजकल बल भी कहां बचा लोगों में, पहले तो बल भी हाथियों जैसा होता था, तो 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो तो उसको कहते थे दिग्गज। क्या कहते थे? एक दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो इतना बल किसमें है? बोले एरावत हाथी में, इंद्र का जो था, और 10,000 एरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता था वो बनता था इंद्र। 10,000 हाथियों बराबर बल तो एक दिग्गज बनता था, 10,000 दिग्गज बराबर बल जिसमें होता था वो एरावत बनता था, 10,000 एरावत हाथियों बराबर बल जिसमें होता था वो एक इंद्र बनता था, और 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी की एक छोटी सी उंगरिया के ऊपर के भाग में है, इतने बलवान हनुमान जी है। अब लगा लो गुणा भाग, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है, ई उंगरिया बराबर बल। इसलिए तो भाई गोस्वामी जी ने एक हट्टा लिख दिया, बोले क्या फुटकर फुटकर कौन लिखे, तो उन्होंने एक हट्टा लिख दिया, राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी के बल का मजा तो रावण ने चखा, रावण ने चखा हनुमान जी के बल का। एक बार जब युद्ध हो रहा था तो रावण को, देखो पूरी युद्ध में आप रावण से पूछ लो कहीं पर भी, अगर किसी से डरा रावण तो सिर्फ हनुमान जी से पूरे युद्ध में। जब अंगद जी गए तब रावण ने बताया भी, तो अंगद जी ने पूछा क्यों और बता किससे डरते हो, अरे बोले तुम्हारे स्वामी वो तो दोनों वनवासी, तो बोले सुग्रीव, अरे बोले सुग्रीव भाई के चक्कर में वो भी कमजोर पड़ गया है बाली के चक्कर में। तो अंगद ने कहा अच्छा, तो फिर ये नल नील, अरे बोल तो शिल्पकार हैं, उनसे तो मकान अकान इंजीनियरिंग का काम करवा और कुछ नहीं जाना। अंगद जी बोले फिर और तुम्हारी नजर में जामवंत जी, बोले वो तो बूढ़े हो गए, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो अंगद जी बोले और तुम किसको डरते हो, बोले वैसे तो कोई पावरफुल ज्यादा है नहीं उससे, ना एक है। बोले कौन? बोले नाम तो हम भी नहीं जानते, और हनुमान जी ने लंका में नाम बताया ही नहीं, हनुमान जी ने रामदूत ही बताया,
हनुमान जी ने नाम, बोले नाम तो हम भी नहीं जानते पर वो बलवान है। बोले कौन? बोले जो सबसे पहली बार आके आग लगा गया वो थोड़ा बलवान है। अंगद जी बोले तो ठीक है। और जब युद्ध हुआ तो एक बार रावण ने हनुमान जी से कहा भी, बोले चलो एक एक मुक्का की ना हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? बोले तुम भी बलवान हम भी बलवान, देख लेते हैं कौन कितना बलवान, युद्ध लड़ो। हनुमान जी बोले लड़ेंगे, तुम भी बलवान हम भी बलवान, 20-25 दिन लग जाएंगे, एक काम करो एक एक मुक्का को ट्राई कर लो, जिसका ज्यादा पावरफुल वही बलवान। ये बढ़िया है, ये ठीक है। हनुमान जी बोले अच्छा था तुम मारो पहले। रावण बोलो नहीं 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 आप मारिए, आप हमारे अतिथि हैं, लंका में आए आप मारो। हनुमान जी बोले कहूं हमने मसक था वो तुम्हारी तेरे ही हो गई, फिर तुम्हारी हाथों की खुजली ऐसी रहेगी, तुम एक आशा लिए मर जाओगे कि मुक्का ही नहीं लगा पाए, इसलिए तुम ट्राई करो। रावण बोलो क्या संभव है कि एक ही बेर में? बोले अब क्या बताएं, अब राम जी पूरी लीला राम जी हाँ करने, नहीं तो हम अभी ट्रायल कर ही देते। रावण बोला ऐसी बात है तो हो जाने दो। रावण 20 भुजाएं 20 आंखें 10 सिर, बोले सावधान। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, आ जाओ चाहे जैसे आओ बखरी में आओ। हनुमान जी ने भी बढ़िया हाथ पांव भटका दिए, हाँ भाई रावण तैयार। रावण ने एक मुक्का बनाओ ऊपर की तरफ करो, ऊपर की तरफ करके एक मुक्का जैसे ही छोड़ो। हनुमान जी जैसे ही छोड़ो तो हनुमान जी थोड़ा ऐसे ऐसे भर भय और ठीक ठाक। अब रावण 20 आंखें मिलकाएं और खोले, मिलकाएं और खोले। हनुमान जी बोले काहे चक्कर आ गओ का? रावण बोलो चक्कर नहीं आओ, हम जो देख रहे तुम गिरे नहीं। हनुमान जी बोले कहां गिरे? रावण बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें चक्कर नहीं आओ तिल मिली? हनुमान जी बोले हमें नहीं। बोले तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे सांस रुक रही हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोले बिल्कुल नहीं। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण समझ गए जी तो खतरनाक है, पूरा मुक्का ही से गए। हनुमान जी बोले अब बहुत हो गई बात है, अब हमारा ले लो प्रसाद। हनुमान जी ने मुक्का ऊपर बनाओ 360 डिग्री फैसला करो, और जैसे ही 360 डिग्री फैसला करो तो ब्रह्मा जी और शंकर जी दो ही जने ऊपर देखे, बोले अगर जी दे दी इतना इतना ही में रामायण पूरी हो जाने। शंकर जी और ब्रह्मा जी आपस में बात करके शंकर जी बोले जाओ जल्दी, ब्रह्मा जी जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी बोले कहे? बोले जौन हिसाब को भाई साहब बनाए हैं बा हो गई है तई रामायण पूरी, बधौने राम जी के हाथन से जय पूरी पहले ही करे दे रहे। ब्रह्मा जी बीच में प्रकट भाई बोले रुको 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 रुको। रावण बोले एक तरफ हो जा, बीच में कहां रुको रुको आ गए, यहां पर युद्ध हो रहा है एक एक मुक्का का। ब्रह्मा जी बोले वो ही से बचा भी आए तुम्हें। रावण बोलो मतलब? बोले जौन हिसाब को भाई साहब 360 डिग्री फैसला बनाए हैं, अगर जी ऐसे ही मसक दे हैं तो नीचे गड़ जे हो हड्डियां ना मिले। रावण बोलो हैं इतने बलवान? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा अगर खुजली हो तो ट्राई करवा ले। रावण बोलो कान में बोले था कह दो तना घटा दे। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए, ज्यादा है? हनुमान जी बोले तो? बोले ज्यादा है ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले वाह जब रावण ने मुक्का मारा था तब नहीं प्रकट भाई, उसका पक्ष लेने प्रकट हो गए। बोले हम भाई उसका पक्ष लेने नहीं आए, हम तो इसलिए आए जिस हिसाब से आप बनाए हो, अगर रगड़ दे हो तो राम कथा निपट जाने, तुलसीदास जी वाल्मीकि जी अरे फेल हो जाने, क्योंकि बध लिखा है राम जी के यहाँ तो तुम्हें कर देने बध। क्या करें? थोड़ा सा साइज घटाओ। हनुमान जी ने 360 से 100 तनक 100 टेढ़ो करो, अब 160 अब ठीक है। ब्रह्मा जी के चार मोह चारों आठों आंखें बंद करी, अभी भी गड़बड़ है। रावण बोलो अब क्या गड़बड़? बोले इतने में भी तुम्हें कम से कम 3 महीना होश नहीं आना है, 3 महीना। तो रावण बोलो और तो कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध रुक जाएगा तो तनक और घटवा प्रभु तनक और। हनुमान जी बोले नहीं अब इतने तनक। हनुमान जी ने 80 डिग्री और घटा, अब ठीक है। रावण ब्रह्मा जी से बोलो तुम्हें बताओ ठीक है? ब्रह्मा जी ने फिर आंखें बंद करी, बोले 2-4 दिन तो तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं आ इतने में भी। रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले और का? बोले तनक और घटवा।
हनुमान जी ने तनक और घटाओ, अब बोले अब ठीक है। जैसे ही हनुमान जी ने ऊपर करके और एक रावण के मुख का धड़ाम से भुजा पसार करके गिर गया रावण, जहां भूमि पर रावण गिरा सोई हनुमान जी गंगा जल लेके लगे मुंह में डाल, उठ जा भैया रावण न पूरी हो गई हो, हवा करे हनुमान जी पानी डाले रावण की बीस के खोल के प्रकट भाव। हनुमान जी बोले काय भैया कैसो, बोले कुछ भी कहो तुम बहुत पलवान हो।